हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं ये कह रहा था कि पहले हमने बताया था कि इस कंपनी का इंटरव्यू जाने वाला है, अरविंद इनरटेक कंपनी का। अभी हम लोग इसी कंपनी में कुवैत में केएनपीसी प्लांट में काम कर रहे हैं और अभी कुवैत में है। और मैं अभी इंडिया वालों के लिए मैं बता रहा था कि इस कंपनी का इंटरव्यू जाने वाला है और आज फाइनल इंटरव्यू आ चुका है। कहाँ कहाँ इंटरव्यू है, मतलब क्या क्या पोस्ट में कितना रिक्वायरमेंट है, सारा आज इस वीडियो में बात करने वाले। कौन सा तारीख में कौन सा जगह इंटरव्यू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया से बाहर विदेश में कुवैत में बहुत सारी कंपनीज है जो जमीन से अंदर समुंदर के किनारे से क्रूड ऑयल को निकालती है और उसको फिल्टर करती है, रिफाइन करती है और उसे बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन, बिटुमिन, बहुत सारा चीज़ बनती है। उसका प्लांट जब मेंटेनेंस नहीं देना लगता है तो उसको प्लांट को बंद करके उसमें कुछ कुछ सामान ख़राब हो जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। इसी के लिए इंडिया से आदमी लोग को बुलाया जाता है काम करने के लिए, एक प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो आज मैं उसी इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और रोजी रोजगार दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किस किस जगह पे इंटरव्यू है, ठीक। मुंबई में इसका इंटरव्यू है 2 मई 2024 को। पहले मैं बताया था, एक बार और बता देता हूँ, मैं 2023 में आया था और हम लोग का एक साल का एग्रीमेंट था, हम लोग का एक साल कम्प्लीट होने वाला है। अब इंटरव्यू होने वाला है 2024 में, तो अब फिर से नया वर्कर लोग को बुलाया जाता है। हर एक साल इस कंपनी में मतलब मेंटेनेंस का काम चलता है और हर एक साल इंडिया से 5-6 हज़ार आदमी को बुलाया जाता है यहाँ पे काम करने के लिए, जिसमें से बहुत सारे पोस्ट के लोग होते हैं। क्या क्या पोस्ट के लोग होते हैं, आज उसी के बारे में बात करने। और चेन्नई में 24 अप्रैल 2024 को और विजाग में 16 अप्रैल को था जिसका इंटरव्यू हो चुका है, और वडोदरा में 26 अप्रैल को इंटरव्यू है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, लेकिन फाइनल इंटरव्यू बैनर जो है, जो ऑफिस वाला पेपर में डालता है, एडवर्टाइज करता है, उसको मैं आज आपके सामने दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मंगलोर में इसका इंटरव्यू था 19 अप्रैल को, जो कि इंटरव्यू आज है, ठीक है। कुवैत में केएनपीसी एक प्लांट है, केएनपीसी प्लांट है, उसी में एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है अरविंद इनरटेक कंपनी का है ये इंटरव्यू, ठीक है। क्या क्या वांट है उसको थोड़ा बता देते हैं। जीएफटी जिसका 1800 आदमी चाहिए, जीएफटी यानी जिसको जनरल फिटर बोला जाता है, और सुपरवाइजर चाहिए, मैकेनिकल का सुपरवाइजर चाहिए 200। और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें से मैंने ये बताया है कि जनरल फिटर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको उसमें सेलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उतना ही पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर चाहिए कम से कम 350 आदमी, और रिगर चाहिए 350 आदमी, और ड्राइवर चाहिए 15 आदमी, और टाइम कीपर चाहिए 7 आदमी। टाइम कीपर वही होता है जो बहुत सारा आदमी आता है तो सबको मैनेजमेंट करने के लिए, किसका ड्यूटी किधर है और किसका ओवर टाइम चालू है, कौन अब्सेंट कर रहा है, यही सबको देख रेख करने के लिए एक आदमी रखा जाता है, उसको टाइम कीपर बोला जाता है। और सेफ्टी का सुपरवाइजर चाहिए 20 आदमी। सेफ्टी का मतलब कि कोई काम करता है तो कोई लापरवाह होकर के काम करता है, कंपनी का हर एक चीज़ का रूल है, हर एक चीज़ का काम होता है तो सेफ्टी से काम होता है, तो उसी चीज़ को देख रेख करने के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर को भी हायर किया जाता है। वेल्डर का भी चाहिए 70 आदमी। बहुत सारा पाइप रहता है, बहुत सारा पीस रहता है जो क्रैक रहता है, उसको वेल्डिंग करना पड़ता है, कहीं ग्राइंडिंग करना पड़ता है, या कहीं फ्लांज टूटा रहता है, तो उसके लिए भी वेल्डर का ज़रूरत पड़ता है। वेल्डर चाहिए इसमें 70 आदमी। एक खास बात है कि इसमें अरविंद इनरटेक लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है, इसका मेन रीज़न हम बताते हैं। जितना भी नया लड़का लोग आता है यहाँ पे, सबको लगता है कि फंस गया यहाँ पे कंपनी में आके, इसीलिए। और एक कंपनी थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें थोड़ा सा, इसीलिए इसमें कोई ऑफिस वाला ये नहीं लिखता है कि अरविंद इनरटेक कंपनी का ही इंटरव्यू, ठीक है। तो रीज़न हम बताते हैं, देखिए, इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि ये मेडिकल नहीं है, मतलब कि इंश्योरेंस नहीं है। अगर बीच बीच में अगर आपका हाथ पैर टूट जाता है या कुछ ऐसा आपके साथ हादसा हो जाता है तो कंपनी वाले आपको पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब लिखता नहीं है कोई कि अरविंद इनरटेक कंपनी का ही इंटरव्यू है, पहली। दूसरी बात, थोड़ा खाना थोड़ा टेढ़ा है, खाना
नहीं थोड़ा टेस्टी नहीं, खाना देता है, बराबर खाना देता है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं देता है, खाना देता है लेकिन उसमें थोड़ा टेस्टी नहीं है, आदमी को ज्यादा मजा नहीं आता है खाना खा के, इसीलिए अरबी नटेक कभी लिखता नहीं है। प्लस इतना आदमी इसको बदनाम कर दिया है कि इसका इंटरव्यू कहीं भी जाता है तो कोई उसमें जाता नहीं है। जब आदमी इंटरव्यू दे देता है नया नया लड़का लोग, तब उसको पता चलता है अरे यार अरबी नटेक कंपनी का इंटरव्यू था। अब इसमें क्या क्या एडवांटेज है, देखिए हर एक कंपनी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज रखा हुआ है, तो इसका भी कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सैलरी टाइम टू टाइम दे देता है। अभी हम लोग इतना दिन हो गया 6-7-8 महीना 9 महीना, लेकिन हर एक महीना हम लोगों को पैसा देते गया, इसीलिए इसमें बहुत सारा आदमी आने जाता है। और आना इसीलिए नहीं चाहता है क्योंकि जो मैंने बताया था कि खाना थोड़ा सही नहीं है और ओवर टाइम, और एक बात ओवर टाइम 2-3 महीना ही चलता है, 11 महीना को बोल कर तो लाता है लेकिन मात्र ओवर टाइम 2-3 महीने चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है, मेरा बताने का मकसद इतना ही था, और कुछ कुछ है जो मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सैलरी इसमें कुछ लिखा नहीं है, जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको सैलरी मिल जाएगा, सैलरी को मतलब कि पता चल जाएगा, और कितना क्वांटिटी में यह तो हमने बता दिया है, नहीं है बाकी सब आप लोग यहाँ पे जब इंटरव्यू दीजिएगा, यहाँ पे आइएगा तो बाकी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो आदमी इसमें आता है वो यही बोलता है कि और इसमें नहीं आएंगे, इसमें वही आता है जो इसमें कभी पहले आया नहीं रहता है। हम भी इसमें आ गए थे, बाद में यहाँ का नियम कानून देखे तो हम भी बोल रहे अब जब यहाँ से मेरा वीज़ा ख़त्म होगा हम इंडिया जाएंगे तो और इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, आप आना चाहते नहीं आना चाहते ये आप डिसाइड करें। ठीक है, इसी तरह का इंटरव्यू पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म।